देखिए, डायबिटीज़ एक बहुत ही स्लो डिजीज़ है, जो कि स्लो पॉइजन है, जो हमारे शरीर में धीरे 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 असर करता है। और डायबिटीज़ मुख्य रूप से हमारे दो अंगों पर, एक आँखों पर और एक किडनी पर, जिसकी वजह से डायबिटिक नेफ्रोपैथी, और दूसरा आँखों पर जब वो असर करता है तो उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। बेसिकली जब वो रेटिना पे असर करता है, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी का नाम दिया गया है, उसमें खून की नई नई नलियाँ बनने लगती हैं। वो नलियाँ नॉर्मल नहीं बल्कि एबनॉर्मल होती हैं, तो उसमें से खून का रिसाव जो है हमारे पर्दे पे होने लगता है। इस वजह से हमारे को जो दिखना है वो कमज़ोर हो जाता है। अब बात यह है कि इसका अवेयरनेस लेवल बहुत ही कम है हमारे, जो किसी तरह से हमारे को इसका अवेयरनेस लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है। जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनको अपने निकटतम नेत्र चिकित्सक के पास हर 6 महीने में एक बार अपने पर्दे की जांच के लिए ज़रूर जाना चाहिए। अर्ली स्टेजेस में इसका ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे से हो सकता है। जो भी खून की नई नई नलियाँ बन रही हैं, उनको लेज़र के द्वारा बंद कर दिया जाता है, ताकि खून का एबनॉर्मल रिसाव हमारे रेटिना पे ना हो और हमारी दृष्टि पे इसका असर ना आए। तो हम हेल्थ केयर टुडे के माध्यम से आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर शुगर आपको डेवलप हो गई है, आपको पता लग गया है, तो आप ये मान लें कि अपने नेत्र विशेषज्ञ के पास में हर 6 महीने में अपना आँख का पर्दा जांचने जरूर जाएंगे। देखिए, जो डायबिटिक रेटिनोपैथी भी काले मोती की तरह एक इरिवर्सिबल डिजीज़ है, हम जो खो चुके हैं उसको वापस नहीं ला सकते हैं। ये स्टेटमेंट देने से आप लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है कि आप रेगुलर आँख टेस्ट कराएं, अपना पर्दा टेस्ट कराएं। जो खून की नई नलियाँ बन गई हैं और उन्होंने जो रेटिना के सेल्स को डैमेज कर दिया है, वो वापस नहीं लाया जा सकता, पर उनको आगे बढ़ने से लेज़र करके रोका जा सकता है।